आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वाई साहब कोटा धूप। जैसे कि आप जानते हैं हम डेली आपको मुख्तलिफ शख्सियात से मिलवाते हैं और कोटा धूप के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं, जो या कोटा धूप की जो स्पेशलिटीज़ हैं आप तक लेके आते हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सोडा स्टेशन पॉइंट पे और कोटा धूप में एक नई जिद्दत के हवाले से एक नई चीज़ सामने आई है। हमारे दोस्त हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है आप आएँ यहाँ पर और यहाँ का विज़िट करें। जब मैंने यहाँ पर विज़िट किया है, यहाँ की कोल्ड ड्रिंक्स ली है, आइसक्रीम भी खाई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो जब मुझे अच्छी लगी है मैंने कहा नाज़रीन को भी ये मुतारफ़ करवाते हैं और जो इनके ऑनर हैं उनसे भी गपशप करते हैं और इनका आज आपको सोडा स्टेशन पॉइंट का मुकम्मल व्यू दिखाएंगे। और इन्होंने जो मशीनरी लगाई हुई है, इन्होंने जो यहाँ कोटा धूप की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और कोटा धूप को, क्योंकि कोटा धूप के नौजवान खाने पीने के हवाले से बड़े शौकीन हैं, गर्मियों का मौसम है और यहाँ पे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से लोग स्पेशल इंजॉय करने के लिए मुल्तान जाते हैं, तो आन जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। यहाँ कोटा धूप में ही आपको वो तमाम सहूलियात मिल जाएंगी। आए उनको उनसे बात करते हैं और आपको उनका व्यू दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हैं सर आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम हमजा है और मैं इस सोडा स्टेशन का ओनर हूँ। यहाँ कितना अर्सा हो गया सोडा स्टेशन को बने हुए? ये तकरीबन अभी हमें 10 दिन हो गए हैं, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रुझान है लोगों का इस तरफ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे कोटा धूप। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने कोटा धूप के लिए, क्योंकि कोटा धूप के वहाँ माशाल्लाह खाने पीने के हवाले से बड़े शौकीन हैं। रात गए देर तक वो ढूंढते रहते हैं ऐसे पॉइंट जहाँ पे बैठ के गपशप की जाए। तो हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि यहाँ पर आपने कौन कौन सी ऐसे चीज़ें रखी हैं जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम देख के आपके पास वो खाने पीने के लिए आते हैं? पहली बात है कि कोटा धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस लिहाज से, और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो लोग थे वो खाने पीने के वाकई शौकीन हैं, वो फिर यहाँ जो चीज़ अवेलेबल नहीं होती फिर उनको मुल्तान जाना पड़ता है और उनका काफ़ी मतलब एक्सपेंस हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ मुतारिफ की कराई है जो कि गर्मियों में भी इंशाल्लाह बहुत फ़र्क अंदेज है। और इसमें हमने 18 फ्लेवर्स सोडा के मुतारिफ कराए हैं जिसमें इंपोर्टेड मशीन्स हैं हमारी और आइस टीज़ हैं और स्लशीज़ हैं और आइसक्रीम्स हैं। आइसक्रीम भी आपको बहुत अच्छे फ्लेवर्स मिलेंगे और इम्पोर्टेड क्वालिटी के फ्लेवर्स। हमजा ये हमारे नाज़रीन को आप एक एक पॉइंट के हवाले से डिटेल देते हैं। हमारी बैक साइड के नाज़रीन आप देख रहे होंगे, हमजा भाई से पूछते हैं ये क्या चीज़ है और इसका क्या फंक्शन है? ये स्लश मशीन है और इस पे हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जो कि हम चेंज करते रहते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं। और ये जो स्लश मशीन है इसका बेसिकली काम है फ्लेवर्स को ना फोम आइसक्रीम में बनाती है। ये बहुत ठंडी होती है और जो चीज़ गर्मियों में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये फ्लेवर्स के साथ। ये क्या चीज़ है? बस आइस चीज़ हैं जो हमने मुतारिफ़ कराई हैं कोटा धूप में, पहली दफ़ा लेके आए हैं। ये आइस चीज़ हैं जो लोग चाय वगैरह पीते हैं और गर्मियों में मतलब गर्मी ज़्यादा होती है और गर्म चाय वगैरह नहीं पी सकते, तो उनके लिए ये ठंडी चाय का एहतमाम है। तमाम चाय का एक्सट्रैक्ट है इसमें और इसमें ये आपकी चाय की मतलब जो आदत है उसको पूरा कर देगा ठंडे में। जी नाज़रीन, कोटा धूप में चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं खुद चाय का शौकीन हूँ, तो चाय के कोटा धूप में काफ़ी पॉइंट्स हैं। लेकिन एक चाय के हवाले से नई चीज़ मुतारफ़ करा रहे हैं हमजा भाई, मैं एक दफ़ा इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि आइस टी एक कोटा धूप में एक नई चीज़ लेके आएँ चाय के हवाले से। थोड़ा सा दोबारा हमारे नाज़रीन को बताएँ कि चाय पीने वाले हजरात इस चीज़ से कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? चाय पीने वाले, चाय का पता है आपको एक नशा है, तो जो गर्मियों में तो मतलब लोग गर्म चाय पीने को इतना फोकियत नहीं देते, लेकिन इसीलिए हम उनके लिए लाए हैं आइस टी। ये ठंडी चाय होगी और उनकी जो क्या कहते हैं क्रेविंग वो उसको पूरा कर देगी। इसमें कितने फ्लेवर हैं आपके पास? इसके पास इस टाइम हमारे पास 2 फ्लेवर हैं, एक मैंगो आइस टी और पीच आइस टी। हाँ जी जी नाज़रीन, चाय अब तक हमने सुनी है कि हॉट चाय, लेकिन आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं कोटा धूप में मुतारिफ कराई गई है आइस टी जिसमें 2 फ्लेवर यहाँ पे मौजूद हैं। आप आएँ यहाँ पे, जो चाय के शौकीन हजरात हैं यहाँ का विज़िट करें, क्योंकि अभी मैंने पी है, बहुत टेस्टी है, बहुत सुकून सा, बहुत ही मज़ा आया है। मज़ीद आपको दिखाते हैं यहाँ पे और कौन कौन से इनके इन्होंने यहाँ पे कोटा धूप की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। 18 फ्लेवर्स मौजूद हैं जिसमें मिल्क सोडाज भी हैं और 18 डिफरेंट फ्लेवर्स मौजूद हैं जिसमें पाइन एप्पल, बबल गम, मुनफरद फ्लेवर्स लेके हैं हम। यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ लेमन से मुतारिफ थे, इसलिए अब उनको हमने बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स यहाँ पे मुहैया कराए हैं, रेड बुल, स्ट्रॉबेरी, इमली, तमाम। एक और मशीन यहाँ पे मौजूद है, हमजा भाई से पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या फंक्शन है? ये इम्पोर्टेड सोडा मशीन है और इसमें से आपको
ज़रूरत नहीं है, वो गिलास में शीशे वाले और मतलब जो बार बार एक ही बंदा यूज़ कर रहा है उसको धोने का मतलब उसमें ये वाला एहतमाम भी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डिस्पोजिबल गिलास में हम ये आपको पैक करके देते हैं। इसमें तमाम किस्म की मतलब वो फील नहीं करते आप, हिचकिचाहट फील नहीं करते मतलब पीने में कि धुला हुआ है या नहीं है, इसलिए डिस्पोजिबल एक दफ़ा यूज़ किया और बहुत अच्छा गिलास है, इसमें से हम निकालते हैं और आपको दे देते हैं। जी नाज़रीन, मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे आइसक्रीम की यहाँ पे मशीन लगी हुई है, इनसे पूछते हैं ये इसकी क्या क्वालिटी है और क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर। सर ये भी इम्पोर्टेड मशीन है और इसमें ये पंप वाली मशीन है, ये मतलब जो आपको मैकडोनल्ड्स वगैरह पे मिलेगी ये वही वाली मशीन है, और इसमें जो फ्लेवर्स हैं वो भी इम्पोर्टेड फ्लेवर्स हैं, जैसे आप मैकडोनल्ड्स पे वनीला वाला फ्लेवर वही का वही फ्लेवर आपको यहाँ पे मुहैया होगा और आप वही खा सकते हैं। इसमें मैंगो फ्लेवर्स है, वनीला, वो फ्लेवर्स हम चेंज करते रहते हैं क्योंकि एक पे फिर आपको पता है लोग थक जाते हैं, तो इसलिए फ्लेवर्स हम चेंज करते रहते हैं और बस यही। जी नाज़रीन, यहाँ पे आइसक्रीम के हवाले से भी यहाँ पे इनके पास जो मशीन है इंपोर्टेड है, जो क्वालिटी आप लोग मुल्तान या लाहौर में जाके मैकडोनल्ड्स पे इंजॉय करते हैं कोटदू में वो चीज़ आपको यहाँ पे मुहैया की जा रही है, और रेट्स की जब बात की जाएगी तो रेट जो है वो आम आइसक्रीम के बराबर हैं, जबकि क्वालिटी जो है वो लाहौर और मुल्तान मैकडोनल्ड की है। आप आएँ यहाँ पर विज़िट करें, आइसक्रीम को इंजॉय करें, क्योंकि मैंने अभी खाई है मैंगो आइसक्रीम, तो इसका जो जायका था यूँ समझ लें कि जो मुल्तान में आम मैकडोनल्ड में जाते हैं विज़िट करते हैं तो सेम वैसे ही फील हो रहा है, जबकि जो प्राइस मैंने जब इनसे पूछे तो बिल्कुल नॉर्मल सी है। जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ कस्टमर बैठे हैं, उनसे राय लेते हैं कि यहाँ का फ्लेवर और यहाँ की क्वालिटी या यहाँ का मियार कैसा है, क्या जो कुछ हमने कहा है या इनके ओनर ने जो बताया है वाकई ये ऐसा है या कुछ और है, अहम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक सर। इशफाक को ये बताएंगे कि फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं या मुस्तकिल कस्टमर हैं इनके? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल कस्टमर हूँ, तकरीबन मुझे हो गया है हफ्ता दो हफ्ते से, मैं माशाल्लाह डेली आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा टेस्ट मिल रहा है यहाँ से। क्या हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे यहाँ का टेस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है और प्राइसेस वगैरह के हवाले से क्या इनके रेट्स हैं? माशाल्लाह इनकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको बात कहूँगा कि एक तो इन्होंने जो रेट्स दिए हुए हैं बिल्कुल नॉर्मल रेट्स दिए हुए हैं, और माशाल्लाह जो इन्होंने चेंज दिया है पूरे कोटदू में ये चेंज पहले कभी नहीं आया, माशाल्लाह ये कस्टमर जो है ना बहुत मुतमइन हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि कोटदू में इस तरह का चेंज होना भी चाहिए था, पब्लिक बहुत खुश हो रही है कि ये इस तरह का चेंज है, ये न्यू चीज़ है, न्यू ब्रांड है हमारे लिए, और माशाल्लाह इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए, जो ड्रिंक्स हैं ना वो तो पहले नहीं थी कोटदू में इस तरह की। कोटदू में और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आइसक्रीम दस्तियाब है, लेकिन यहाँ पे इनकी क्या स्पेशलिटी है कि आप यहाँ पे आइसक्रीम खाने आते हैं? जी मैंने कोटदू का तकरीबन वो या जितने भी ब्रांड हैं उनके चेक किया है, लेकिन इनका जो है ना इम्पोर्टेड फ्लेवर है इनके पास, तो इनका टेस्ट मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह इधर। शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, एक और कस्टमर यहाँ पे मौजूद है, उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहसन खान। मेरा अहसन भाई, सोडा स्टेशन पॉइंट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं यहाँ की क्वालिटी कैसी है और यहाँ के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और आइसक्रीम है इनकी क्वालिटी और मज़ा क्या है? सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊँ कि कोटदू में एक बहुत यूनिक स्टेप है और बहुत अच्छे टेस्ट हैं, फ्लेवर बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेड फ्लेवर है यहाँ पर हर चीज़ सर जी, इम्पोर्टेड मशीनरी भी इम्पोर्टेड आई हुई, और जो कोटदू के आवाम को एक ऐसे सेटअप की ज़रूरत थी कि उनको एक अच्छी जगह इन्वायरमेंट दिया जाए जहाँ वो बैठ के अपनी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इन्जॉय कर सकें, जैसे मौसम आ हुआ तब गर्म आने वाले गर्मी आने वाले, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा सेटअप। आइसक्रीम मैंने भी टेस्ट की है, कोल्ड ड्रिंक्स भी टेस्ट की हैं, माशाल्लाह वाकई जो कहा गया है वैसा ही है, लेकिन रेट्स के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि बात हमारे नाज़रीन ये समझते हैं नई दुकान है, बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है और रेट्स इनके हाई होंगे, तो इस रेट्स के हवाले से बता दें थोड़ा। रेट्स आपको अगर कंपेयर किया जाए तो मार्केट ये सब बिल्कुल मुनासिब रखे गए हैं अभी। यानी नाज़रीन, एक और कस्टमर यहाँ पे मौजूद है, उनसे राय लेते हैं कि यहाँ की क्वालिटी और यहाँ का टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास। सर वकास भाई, सोडा पॉइंट के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएँ, यहाँ पर आप इनके मुस्तकिल कस्टमर हैं, आपने भी बताया, तो यहाँ की टेस्ट और क्वालिटी के हवाले से? बहुत अच्छा है, रात भी हम आए थे इधर पीने के लिए, तकरीबन चार पांच दोस्त थे, अच्छा टेस्ट है, फिर अब आए हैं, अब जाना ना हम जा रहे थे इधर से पाटक वाली साइड पे, बस हमने कहा यार भाई के पास चलें, बड़ा अच्छा टेस्ट है, माशाल्लाह भाइयों को कामयाब करें इनके कारोबार में।